नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से, कोरिया से बड़ी खबर। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, निर्माणाधीन जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का निरीक्षण। बैकुंठपुर के कंचनपुर में बन रहा है नया जिला अस्पताल, गुणवत्तापूर्ण ढंग से तय समय में काम पूरा करने के दिए निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्र बिसुनपुर का भी किया निरीक्षण, आंगनबाड़ी में बच्चों से सुना एबीसीडी, कार्यकर्ताओं से ली रेडी टू ईट वितरण की जानकारी। ये बड़ी खबर कोरिया से, कोरिया में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, निर्माणाधीन जिला अस्पताल मातृ शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। बैकुंठपुर के कंचनपुर में बन रहा है अस्पताल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने बच्चों से एबीसीडी भी सुनी और साथ ही साथ रेडी टू ईट का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हैं। तो आंगनबाड़ी में बच्चों से उन्होंने एबीसीडी भी सुनी, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया। सीएम भूपेश बघेल के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने एमसीबी जिले के नए कलेक्टर भवन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के द्वारा नए एमसीबी जिले के उद्घाटन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सीएम के होने वाले रोड शो को लेकर भी मनेन्द्रगढ़ शहर का भी निरीक्षण किया। ग्रीन जिला मनेन्द्रगढ़ चंदेरी भरतपुर का लोकार्पण किया जाना है, शुभारंभ होना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा शीघ्र ही प्रस्तावित है। उसी तारतम में यहाँ के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है और उनकी प्रोग्रेस का मॉनिटरिंग की गई है और उसको तेजी के साथ कराया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रायपुर दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेपी नड्डा 9 तारीख को रायपुर पहुंचेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कोर ग्रुप से मुलाकात करेंगे। उनके इस कार्यक्रम में विशाल रैली और रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम है, माननीय इस पूरे आयोजन के पीछे जो विषय है कि नड्डा जी का 9 तारीख को पूरे दिन का प्रवास है और कार्यकर्ताओं से विभिन्न समूहों से मिलेंगे और एक बड़ी रैली होगी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के। हाल ही में बस्तर में हुई फाइटर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से बस्तर फाइटर्स की भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिससे कई होनहार छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बस्तर के युवाओं को बस्तर बटालियन के माध्यम से यहां पर सेवा देने का अवसर था, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर भी जिस तरीके से एक लंबा भ्रष्टाचार किया है और जिस तरीके से हमारे बस्तर के युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा किया है, इससे पूरे बस्तर के युवा आज इस सरकार के खिलाफ में है और अपने बातों को अलग-अलग मंचों पर रख रहे हैं। रायपुर के गुशालपुर क्षेत्र में एक चलती कार आग का गोला बन गई। आपको बता दें कि कार में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां चलती कार में आग लग गई, तो वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, हालांकि
लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार की जान बचाई। जांजगीर जिले के पामगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दर्जन भर से अधिक युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे युवक के परिजनों ने किसी तरह युवक को उनके चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत पीड़ित रामलाल साहू ने बताया कि जब वो खेत से काम करके लौट रहा था, तभी चंडीदाई मंदिर के पास करीब आधा दर्जन से अधिक युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर से यह खबर आपको बता रहे, जहां पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, तो वहीं युवक को दर्जन भर बदमाशों ने पीटा है, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गया तो हम लोग खेत गए थे निंदाई कोड़ाई करने के लिए, वहाँ से 5:30 बजे वापस आ रहे थे, तो तालाब पार में मेरा भतीजा को इन लोग 7-8 आदमी मार रहे थे घेर कर। उसके बाद मैं डौटते आया उसको बचाने के लिए, तो एक अप्पू नाम का लड़का मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद मैं उस वहाँ से छूटा तो सनत नील मक्कर ने मेरे को चाकू और कालर पकड़ कर धमकी दे रहे थे तेरे को यकीन यहीं मार देंगे। सर कल मैं खेत से आ रहा था तो वहाँ चंडीदेई हनुमान जी की मंदिर के पास 7-8 लड़के आए, सनत निर्मलकर, अर्जुन निर्मलकर, सोनू निर्मलकर, मोनू निर्मलकर और 3 और अन्य थे, और उन लोग मुझे देखते ही मारपीट चालू कर दी और मेरा मोबाइल भी पटक दिया। फिर बीच बचाव करने में घर परिवार के लोग आए। सर प्रार्थी राम लखन साहू अपने खेत से निंदाई करके वापस आ रहा था, जैसे ही चंडीदेई हनुमान मंदिर के पास पहुँचा वहाँ पर सनत निर्मलकर अपने साथियों के साथ, 2-3 अन्य साथियों के साथ खड़ा था। बिना कारण के गले गिरफ्तार करते हुए उसको लाठी डंडा बेल्ट हाथ मुक्के से मारपीट किया है। आज रिपोर्ट दर्ज करने आया जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जांच की जा रही है। बिलासपुर में नो एंट्री में वाहन ले जाने को लेकर हुए विवाद में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक मोरज सिंह को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो सरकंडा थाने के मोपका चौक का बताया जा रहा है। महिला ने आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाकर पहले उससे बहस की और फिर उसे थप्पड़ मार दिया। तो बिलासपुर की घटना आपको बता रही, जहां बिलासपुर में नो एंट्री में वाहन ले जाने को लेकर हुए विवाद में ड्यूटी तैनात आरक्षक मोरज सिंह को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो सरकंडा थाना के मोपका चौक का बताया जा रहा है। महिला ने आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाकर पहले उससे बहस की और फिर उसे थप्पड़ मार दिया। तो महिला ने सिपाही को थप्पड़ मारा है, और उसके बाद आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो बिलासपुर में नो एंट्री में वाहन ले जाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात आरक्षक मूरत सिंह को महिला ने थप्पड़ मार दिया। तो वही वीडियो सरकंडा थाना के मोपका चौक का बताया जा रहा है, जहां महिला ने आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाकर पहले उससे बहस की और फिर उसे थप्पड़ मार दिया। जांजगीर जिले के गांव खेरमुड़ा में एक युवती की मौत के मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। परिजनों ने गोंगपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रैली निकाली और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि युवती का शव खरसिया के पलगड़ा जंगल में मिला था। हालांकि इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन परिजनों ने युवती की हत्या से पहले रेप का आरोप लगाकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जांजगीर से खबर आपको बता रहे, जहां गोंगपा पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है, तो वहीं युवती की रेप और हत्या का मामला दर्ज कराया गया है, और साथ ही साथ परिजनों ने इस पूरे मामले में
सीबीआई जांच की मांग की है। तो जांजगीर जिले के गांव खेरमुड़ा में एक युवती की मौत के मामले को लेकर मृतक काके परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। परिजनों ने गोपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रैली निकाली और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। घटना हुई है, बलात्कार हत्या, उसके खिलाफ में हम देख रहे हैं कि एक ही दोषी को अंदर किया है प्रशासन ने, तो हमें लगता है घटना को देखते हुए इनके साथ और कुछ दोषियां हैं जो उन्हें छुपाया जा रहा है शासन द्वारा। मेरे दीदी के हत्यारे को फांसी दो, हमारी यही मांग है, बस यही मांग है, उनको फांसी दो और सीबीआई जांच। कोरबा जिले में पंचवटी विश्राम गृह में जिला न्यायिक संस्थान की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्यों के साथ लोगों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में न्यास के फंड का उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि इस बैठक में एसईसीएल के भू विस्थापित ने अपनी मांगों को समिति के सामने रखा और बैठक में शामिल लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस राशि का उपयोग आम जनता के हित में किया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे, जहां जिले में पंचवटी विश्राम गृह में जिला न्यायिक संस्थान की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति सदस्यों के साथ लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो वही बैठक में न्यायिक फंड के उपयोग का संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। और आपको बता दें कि इस बैठक में ECL के भूमि स्थापित ने अपनी मांगों को समिति के सामने रखा। बैठक में शामिल लोगों ने उम्मीद जताई है कि इस राशि का उपयोग आम जनता के हित में किया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। द्वारा तथा जिले के बाहर जो जिला खनिज न्यास निधि है और हमारे क्षेत्र के अंदर अगर कोयला खदान है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं और हमारे यहाँ वो खर्च होने चाहिए थे और वो खर्च कहीं और बाहर कर दिए जा रहे हैं, उसमें बंदर बांध बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रही है, उसको जनता किस तरीके से रोक सकती है और अपने हिस्से का जो अधिकार है उसको कैसे हासिल कर सकती है, इस सवाल को लेकर यहाँ पे आज वर्कर साहब में कार्यशाला में बताया जा रहा है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरबा के मेडिकल कॉलेज को सरकार से स्वीकृति मिल गई है। मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोरबा के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा और इसके जरिए यहां के लोगों को फायदा मिलेगा। तो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी इस प्रेस वार्ता में बताया कि कोरबा के मेडिकल कॉलेज को सरकार से स्वीकृति मिल गई है। मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोरबा के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा और इसके जरिए यहां के लोगों को फायदा मिलेगा। कोरबा क्षेत्र में जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई तो हर वर्ग के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। उसके बाद केंद्र सरकार से 3 मेडिकल कॉलेज की हम लोग को सहमति मिली, जिसमें एक कोरबा पहला, दूसरा कांकेर और तीसरा महासमुंद। कोरबा जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के इमली डुगू बस्ती में रहने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम राज वर्मा है, जिसने शराब के नशे में ये आत्मघाती कदम उठाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोरबा जिले से आपको खबर बता रही, जहां कोरबा जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के इमली डुगू बस्ती में रहने वाले एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो वह मृतक का नाम राजू वर्मा है, जिसने शराब के नशे में यह आत्मघाती कदम उठाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना
पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजू वर्मा, पिता का नाम विष्णु वर्मा, उम्र 40 वर्ष, इंग्लिश डुबू कराने वाला था। आज कल रात्रि में वो अपने घर में फांसी लगा लिया था, जिस पर आज थाना कोतवाली में मर कायम कर उसकी पंचनामा कार्रवाई के बाद उसका शव पीएम के लिए भेजा गया। उतना जानकारी मेरे को भी नहीं, मेरे पास फोन आया 5:30 बजे के आसपास कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। तब जाके देखा तो मामा जी लटके हुए, यानी बांस का वो है उसमें रस्सी लटका दे घर पे। हाँ, घर अंदर कमरे में नहीं, ऐसे रेंगान में। अच्छा, बरामदे में। बरामदे में। कब पता चला आप लोग को? मेरे को 5:30 बजे। इसे नहीं, वो जांजगीर जिले के पामकर में नहाने के दौरान एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला और उसके अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। नहाने जा रहा हूँ करके तालाब में आया और तालाब में नहाने के लिए अंदर घुसा। पानी में एक बार डुबकी लगाया, दोबारा वो वापस बाहर नहीं आया। वहाँ पर उपस्थित मनोज केवट लोग तत्काल जा करके उसको बचाने का कोशिश किए, लेकिन वो स्थिति उसकी ऐसी नहीं थी। तत्काल उसको CHC पामगढ़ लाया गया, जहाँ डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित किया। रायगढ़ और सारंगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक रोड शो किया, जहां जगह जगह ढोल नगाड़े और नाच गाने के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष और उत्साह देखा गया। दोनों जगहों पर सीएम की एक झलक पाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सारंगढ़ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि जैसे बस्तर का दशहरा प्रसिद्ध है, वैसे ही सारंगढ़ का दशहरा भी प्रसिद्ध है। सीएम ने कहा कि 4.25 साल में हमारी सरकार ने महिला, बच्चों, आदिवासी, अनुसूचित जाति के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं सीएम बघेल के रोड शो की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो और नए जिलों का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सारंगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़ छपाई खदान गंडाई जिले का लोकार्पण किया गया, और जहां दो नए जिलों के बनने से शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंच और मजबूत होगी, जिससे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तीव्र गति मिलेगी। हालांकि नवगठित जिलों में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 931,37,00,000 रुपए की सौगात दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सारंगढ़, भिलाईगढ़ को जेल बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की थी, जबकि खैरागढ़ छुआई खदान गंडाई को हाल ही में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। ने इन 4.25 साल में 6 जिले बनाए, 85 तहसीलें बनाई। तो चूंकि छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या देखेंगे तो उस हिसाब से पूरे मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या होना चाहिए वो आदर्श स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की। लेकिन मैदानी हिस्से में सघन बसाहट है, जंगलों में जहां वनांचल है, पहाड़ है, वहां दूर दूर में बसाहट है। बालको, परसा, भाटा बाजार में दुकान लगाने वाले लोग इन दिनों डर के साए में अपना कारोबार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार में लोहे के एंगल समेत एक शेड नीचे गिर गया। हालांकि हादसे के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि परसा भाटा साप्ताहिक बाजार में इससे पहले भी हादसा हो चुका है, जहां इससे पहले भी एक शेड जमीन पर गिर चुकी है और इस घटना में भी कई लोग बाल बाल बच गए थे। वहीं लोगों का कहना है कि जंग लगने से
अधिकांश शेड जर्जर हो गए हैं जो एक के बाद एक गिर रहे हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि जल्द ही बाजार का नवीनीकरण नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है जिसके बाद वन विभाग ग्रामीणों की रक्षा करने में जुट गया है। साथ ही गांव में मुनादी कराकर लोगों को सजग कराया जा रहा है और नुकसान के आंकड़े को कम करने के लिए वन विभाग हाथियों को जंगल में खदेड़ने में लगा हुआ है। तो वहीं कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्मचारियों की कमी के कारण भी वन विभाग खुद को बेबस पा रहा है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद हड़ताल पर गए कर्मचारी वापस लौट आए हैं और ग्रामीणों के बचाव में उतर गए हैं। सर्किल के स्टाफ हैं, इवन दूसरे सर्किल के भी स्टाफ और साथ में जो वन प्रबंधन समिति के सदस्य हैं तो उनका सहयोग लेके लगातार क्या है हाथियों का मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि वो जो जंगल से लगे हुए पांच किलोमीटर की परिधि में जो गांव है कि नहीं वहाँ किसानों के घर तक या फसल तक न पहुंचे और किसी प्रकार से क्षति न हो या जो भी क्षति होती है उसको कम से कम मिनिमाइज किया जाए। खबर कवर्धा से है जहां कबीरधाम जिले में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के सभी छात्र अपने स्कूल भवन और छात्रावास में व्याप्त समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्कूल भवन के साथ साथ छात्रावास से संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए उन्हें जल्द से जल्द समस्या को दूर किए जाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर पहुंचे छात्रों की माने तो स्कूल भवन काफी जर्जर हो गया है। स्कूल में शौचालय की स्थिति भी खराब है, अधिकतर बाथरूम बंद हैं और उससे गंदगी है और हाईवे को जान कर उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि यहां पर बिजली पानी की भी समस्या है। छात्रों का कहना है कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो वो नेशनल हाईवे को जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। वही छात्रों की शिकायत पर प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। गांव आवासी एकलव्य आवासी विद्यालय के बच्चे छात्रावास की समस्याओं के संबंध में यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि वहाँ पर खेल सामग्री वगैरह नहीं है, साथ ही छतों से पानी टपक रहा है, पीने के पानी भी नहीं आ रही है। तो उसके संबंध में मैंने एसी ट्राइबल को निर्देश दिया है कि कल स्वयं हॉस्टल में जाकर निरीक्षण करे, साथ ही साथ एसडीएम बोडला को भी मैंने निर्देशित किया है और दोनों कल जाकर उनकी समस्या का निराकरण करें। सवाल के लिए मुख्यमंत्री जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे तब घोषणा भी कर चुके थे और राशि स्वीकृत भी हो गई 1 करोड़ रुपये, फिर भी अभी तक बाउंड्रीवाल नहीं बना है। कोई भी आ रहा है घुस जा रहा है हॉस्टल में, ना गेट कीपर है ना कोई। सर इसलिए हम चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल जल्द से जल्द बने, जब राशि स्वीकृत हो गई है और घोषणा भी की गई है तो बनना चाहिए। और सर ड्रेस की मांग, तो ड्रेस के लिए पिछले साल भी बोले, पिछले साल का ड्रेस नहीं मिला है। यहाँ पर पहले 21 मांगे सर जो कि पूरी नहीं हुई अभी तक, हमको रोक कर रखा गया था कि अभी आपका काम हो रहा है। आप छठी से तब से दिख रहे हैं लेकिन कुछ सुधार नहीं है। हॉस्टल में शरीर का बहुत तकलीफ जाता है, हमको रहने खाने की भी बहुत समस्या है और पूरा हॉस्टल जर्जर हो चुका है, जिससे कुछ बच्चे को चोटें भी आई थी, उनका सर फूट गया था जर्जर होने के कारण। सर हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे हॉस्टल में बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम कुछ परेशान हैं हम, और कई बार प्राचार्य सर को भी और इसी सर को भी सूचित कर चुके हैं, फिर भी हमारा समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। जिसमें खेल सामग्री खुद से खरीदे हैं और नेट फटे हुए मच्छरदानी से बनाए हैं। प्रिंसिपल सर देखते हैं फिर भी कुछ करते नहीं है। और यहाँ सर वो एकलव्य विद्यालय केवल एसटी बच्चों के लिए है जिसमें एससी बच्चे को भी पढ़ाया जा रहा है।
सरगुजा जिले की आदिवासी लड़की ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। अंबिकापुर के रहने वाली जेनिफर खलको एक गरीब परिवार से आती है जिसकी पढ़ाई लिखाई अंबिकापुर के प्राइवेट स्कूल में चल रही है। जेनिफर खलको ने जांजगीर चांपा में आयोजित तीसरे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में सब जूनियर और जूनियर में 102.5 के साथ दो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो वहीं जेनिफर खलको पिछले एक साल में कई जगह जाकर पावर लिफ्टिंग में भाग ले चुकी हैं और जिसमें कोलकाता में हुए नेशनल पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। पावर लिफ्टिंग करते मुझे एक साल हो गया एंड वहां मेरा रायपुर में मेरा फर्स्ट स्टेट था, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड कोलकाता में मेरा पहला नेशनल था, वहां पे भी मैंने सेकंड प्राइज लाया, अपने अंबिकापुर को रिप्रेजेंट किया और इस बार मैं जांजगीर में खेली, वहां पे भी मेरा स्टेट बेंच प्रेस था। बहुत सारी प्लेसेस हैं जांजगीर में खेली, मनेंद्रगढ़ खेली, रायपुर खेली और कोलकाता खेली। कोलकाता में तो मेरा नेशनल्स था। बस अंबिकापुर के लिए नहीं, पूरा इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ, मैं इंडिया टीम में सिलेक्शन होना चाहती हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।